नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल। आजकल न्यूज़ में या फिर ट्रेंड में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये एक नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गाड़ियाँ चल रही हैं डीजल की, पेट्रोल की, सीएनजी की, तो हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही क्यों चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो वीडियो में लास्ट तक बने रहते क्योंकि आपको पूरा डिटेल बात होगी और साथ के साथ आपको उन स्टॉक की भी बात होगी, यानी उन पेनी शेयर्स की मैं बात करूँगा जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सबसे आगे चल रहे हैं और फंडामेंटली अच्छे भी हैं। अगर उन शेयर्स को अभी आप खरीदते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों वो पेनी शेयर हैं और आपको पता होगा पेनी शेयर सबसे तेज भागते हैं। तो देख लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल चाहिए क्यों। दोस्तों, कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2080 तक पेट्रोल धरती से खत्म हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इसपे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2080 तक पेट्रोल खत्म हो जाएगा और शायद इसी का ये भी एक रीजन है पेट्रोल के दाम बढ़ने का। अगर पेट्रोल के दाम बढ़े तो ये भी एक मुश्किल वाली बात है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी इंक्लूडेड है, यानी सिर्फ पॉल्यूशन रीजन नहीं है, उसके पीछे भी बहुत से रीजन हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी प्राइस बढ़ रही है, 2080 तक ख़त्म होने के भी एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं, नॉट क्लियर, और भी बहुत से रीजन हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हालांकि सीएनजी हमारे पास है लेकिन सीएनजी से भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन या फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे लोग ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी साथ दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी फोर्स करे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आए। ट्रेंड में जो कंपनियां हैं वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही बना रही, तो इसलिए सबकी मजबूरी बन जाती है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ जाएं। तो देख लेते हैं वो कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जिसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है इस शेयर्स के लेकर। तो देख लेते हैं, पहला जो हमारा जो स्टॉक है अगर उसकी बात करें तो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, अगर इस कंपनी की बात करें दोस्तों, यह कंपनी भी कभी बहुत ऊपर चला करती थी लेकिन अब ये पेनी शेयर में इंक्लूड हो चुकी है। तो देख लेते हैं इसका क्या डिटेल बनता है। मार्केट कैप की बात करें तो 10,510 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे 5.40 रुपये इनका 52 वीक लो हुआ करता था, जो कि 80.60 रुपये इनका 52 वीक हाई है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि 5 रुपये वाला शेयर 80 रुपये तक पहुंच गया, हाउ, कितना ज़्यादा रिटर्न है, यही एक पेनी शेयर की पहचान है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर करंट प्राइस की बात करें तो 78.60 रुपये पर इस टाइम यह शेयर चल रहा है। अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी जाइट्स वाले पेनी शेयर है तो कितना डिविडेंड दे देगी, आपको डिविडेंड नहीं मिलता। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये का इनका फेस वैल्यू है, जबकि अगर बुक वैल्यू की बात करें तो -2.30 का है। अगर वहीं बात करें स्टॉक के पी की तो आप देखेंगे 68.4 का है, जबकि अगर बात करें इंडस्ट्री पी की 27.3 का है। अगर बात करें इनके डेप्ट की तो आप देखेंगे, हालांकि डेप्ट थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा लेकिन कैश भी अच्छी खासी मात्रा में इस कंपनी के पास है। आप देखेंगे डेप्ट इनका जो है वो है 868 करोड़ का। अगर वहीं बात करें इसमें फ्री कैश फ्लो का तो आप देखेंगे 639 करोड़ इनके पास ऑलरेडी कैश भी पड़ा हुआ है, यानी कि डेप्ट ऑलमोस्ट धीरे धीरे ये अपना डेप्ट कम करते जा रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के साथ। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर इनके ऑल टाइम यानी मैक्सिमम के चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे ये कंपनी ऊपर जाती है फिर नीचे गई थी, हालांकि ये डेटा आप देख रहे हैं जनवरी 2006 से लेकर अभी तक का, तो आप देखेंगे यह कंपनी 100 रुपये के ऊपर भी चला करती थी और इस टाइम ये 80 रुपये में। और अगर नीचे की बात करें तो आपने देखा 52 वीक लो जो कि 5 रुपये तक यह कंपनी गिर चुका था। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है इस कंपनी का। दोस्तों, अगर इनके स्टॉक प्राइस सीसीआर की बात करें तो आप देखेंगे पिछले 10 साल का अगर डेटा देखते हैं तो -1%, 5 साल की बात करें तो 8% का डिटेल देखने को मिलेगा, अगर 3 साल की बात करें तो -1%, अगर लेकिन 1 साल की बात करें तो आप देखेंगे यह कंपनी आपको 1081% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। कंपनी का कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे पिछले 10 सालों का अगर डेटा देखते हैं तो -6%, 5 साल की बात करें तो -3%, 3 साल की बात करें तो -3%, और TTM की बात करें यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर बात करते हैं तो -62% का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं इनके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की तो आप देखेंगे 10 साल में जो कि डेटा नहीं अवेलेबल है, 5 साल की बात करें तो 4% का पॉजिटिव है, 3 साल की बात करें तो +4%, अगर वहीं TTM की बात करें तो 149% का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख लेते हैं लगे हाथ, 10 साल की बात करें तो -3,
5 साल की बात करें तो -12, 3 साल की बात करें तो -19, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो -34। यानी दोस्तों ये वो डेटा है जिससे आपको ये एक्सपेक्ट हो सकता है कि हाँ ये कंपनी पिछले 1 साल का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। 5 रुपये वाला शेयर 80 रुपये तक पहुँच गया। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी में कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, और अभी भी ये कंपनी 78 रुपये पर चल रहा है, यानी कि 80 रुपये से दूर नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगला जो लेवल होगा 80 का तोड़ कर उसके बाद 90 पर आपको 100 तक भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इन शेयर्स जो कि पैनी शेयर्स हैं, तो इसमें आप पहले अपना चाहे तो एनालाइज कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें तभी इन शेयर्स में इंटर करें, क्योंकि ये पैनी शेयर्स हैं, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो देख दोस्तों और डिटेल देख लेते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। अगर इनके हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, यानी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो सके कि कहीं ना कहीं प्रमोटर्स अपने सारा माल बेचकर निकल तो नहीं रहे हैं, तो आप देखेंगे इनका जो कि प्रमोटर्स होल्डिंग इस टाइम है दिसंबर 2020 में 53.18, और इसके पहले की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा कि 0.0, लगभग 0। तो इसका मतलब है कि प्रमोटर्स भी अपने माल को खरीद रहे हैं। अगर देख लेते हैं FIIs क्या है इस शेयर को लेकर, तो 6.01% की होल्डिंग FIIs भी रखते हैं। DIIs की बात करें तो आप देखेंगे कि 7.04, अगर वहीं बात करें पब्लिक की तो 33.77 का जो परसेंट की होल्डिंग जो कि पब्लिक के पास है, यानी DIIs भी इस शेयर में इंक्लूडिंग है। अगर FIIs की बात करें तो वो भी इंक्लूडिंग है, और पब्लिक भी इंक्लूडिंग है, प्रमोटर्स भी इंक्लूडिंग है, यानी कहीं ना कहीं सबको ट्रस्ट है कि यह शेयर फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। और जिस हिसाब से EV के चल रहा है तो इसका ट्रस्ट किया जा सकता है कि इस शेयर का भी कहीं ना कहीं फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो देख लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक को। दोस्तों अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है SBL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो आप देखेंगे इनका मार्केट कैप है 321 करोड़ का, जबकि 52 वीक हाई है। और लो की बात करें तो 22.20 रुपये जो कि इसका 52 वीक लो हुआ करता था, और 64.70 रुपये जो कि इसका 52 वीक हाई हुआ करता था। इस टाइम यह कंपनी चल रहा है 49.90 रुपये पे। अगर इसमें बात करें डिविडेंड की, आप देखेंगे छोटी कंपनी है लेकिन डिविडेंड भी अच्छा खासा आपको दे देती है। 0.30% का डिविडेंड देखने को मिला है। फेस वैल्यू है 10 रुपये का। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। बुक वैल्यू की बात करें तो 114 रुपये का है, जबकि अगर पी की बात करें तो पी अवेलेबल नहीं है। सेक्टर पी की बात करें तो 27.3 का है। अगर डेप्ट की बात करें तो 587 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। कैश की बात करते हैं तो 1.26 करोड़ रुपये कंपनी के पास कैश है, यानी डेप्ट थोड़ा सा कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये मार्केट में आपको देखेंगे लीड करता है, यानी कि इनका अगर इस कंपनी की बात करें तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के पास जो मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे इसमें लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो कि पूरी आप देखेंगे पूरे सेक्टर का 50% शेयर इसके पास है चेंजओवर स्विचेस का, और साथ के साथ 20% जो है इलेक्ट्रिक मीटर का, यानी कि कहीं ना कहीं ये अपने आप की जो वैल्यूएशन है उसको बचा कर रखा हुआ है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है इस कंपनी से रिलेटेड। अगर इनके के मैक्सिमम चार्ट की देखें तो आप देखेंगे नवंबर 2016 से लेकर अभी तक का चार्ट है। उस टाइम यह शेयर चल रहा था 180 रुपये के ऊपर, और इस टाइम यह शेयर चल रहा है आपको 40-50 रुपये के आसपास। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर और डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। आप देखेंगे 5 साल 10 साल का डेटा नहीं अवेलेबल है, लेकिन अगर 3 साल की बात करें तो -26%, 1 साल की बात करें तो 104% का रिटर्न देखने को मिल गया है। अगर वहीं बात करें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो आप देखेंगे 5 साल में -1, अगर 3 साल की बात करें तो 0%। अगर वहीं बात करें TTM की, तो आप देखेंगे -30% का डिटेल देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं बात करें इनके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो आप देखेंगे 5 साल में -8, अगर बात करें 3 साल की तो -5, अगर बात करें TTM की तो -105% का देखने को मिल जाएगा डिटेल। अगर वहीं बात करें इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो आप देखेंगे 5 साल में 5%, अगर 3 साल की बात करें तो 4%, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 3% का डिटेल अवेलेबल है। अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग जो भी है उसी को लेकर बैठे पड़े, ना ही बेच रहे हैं ना ही खरीद रहे हैं, जो कि 72.34 का है। मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है और हाई भी है। तो देख लेते हैं FIIs इस शेयर में इंक्लूडिंग नहीं है। DIIs की बात करें तो 3.12 का है। अगर बात करें पब्लिक की, तो आप देखेंगे 24.54 का है। तो देख लेते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी को। दोस्तों अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो आप देखेंगे रितेश इंटरनेशनल लिमिटेड इंडिया बेस्ड कंपनी का भी हम फंडामेंटल देख लेते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मार्केट कैप की बात करें तो 26.2 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 3.10 रुपये 52 वीक लो हुआ करता था, 52 वीक हाई की बात करें तो 31.50 रुपये तक यह कंपनी पहुंच चुका था। ग्रोथ की बात करें तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इस कंपनी में कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। अगर वहीं बात करें इनके करंट प्राइस की, तो इस टाइम यह चल रहा है 30.60 रुपये पे। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू की बात करें तो 14.10 रुपये
10 का इनका बुक वैल्यू है। स्टॉक पी की बात करते हैं तो 9.13 का है, जबकि अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 21.6 का है। डेप्ट की बात कर लेते हैं तो 3.48 करोड़ रुपये इनके ऊपर डेप्ट है। अगर वहीं बात करें कैश की तो आप देखेंगे 0.15 करोड़ माइनस में, जो कि इनके पास कैश का अवेलेबल डेटा दिख रहा है। दोस्तों अगर इनके चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे यह कंपनी स्ट्रगल करते हुए काफ़ी ऊपर आ चुकी है, और जो कंपनियां ऊपर आ चुकी हैं इस साल वो यहां से और ऊपर ही जानी है, नीचे बहुत कम कंपनियां जाती हुई दिखी हैं। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो आप देखेंगे 10 साल में 16%, 5 साल में 41%, 3 साल में 41%, और अगर 1 साल की बात करें तो 379% का डिटेल देखने को मिला है। यानी दोस्तों अभी तक जो डेटा देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है इस कंपनी का। देख लेते हैं इनके सेल ग्रोथ की, तो अगर बात करें सेल ग्रोथ की 10 साल में 13%, 5 साल में 9%, 3 साल में 27% और TTM की बात करें तो 60%। यानी डेटा दोस्तों इनका टोटल ओवरऑल डेटा मुझे बहुत पसंद आ रहा है, और मुझे लगता है कि इस कंपनी में ज़रूर से ज़रूर आपको पोजीशन बनानी चाहिए। देख लेते हैं 10 साल का डेटा माइनस 4%, अगर 5 साल की बात करें तो 16%, अगर 3 साल की बात करें तो 40%, TTM की बात करें तो 463%। यानी दोस्तों जो डेटा ओवरऑल देखने को मिला इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों अगर बात करें तो आप देखेंगे 50.66% जो कि प्रमोटर्स खुद होल्ड कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा डेटा है। तो अगर DII की बात करें तो 0.07 का है, जबकि पब्लिक की बात करते हैं तो 49.28 का डेटा अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर अपनी कंपनी की बात कर लेते हैं तो देखेंगे जुलंधर मोटर एजेंसी, अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी का मार्केट कैप है 96.4 करोड़ रुपीज। अगर 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो 16.60 पैसे जो कि इसका 52 वीक लो था, और 52 वीक हाई की बात करें तो 47.20 रुपये इनका 52 वीक हाई था, और कंपनी इस टाइम चल रही है 42.20 रुपये। दोस्तों ये एक और बहुत ही अच्छा जो कि डेटा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड 2.37% का जो कि डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये का फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो आप देखेंगे 76.80, यानी कि यह कंपनी अपने बुक वैल्यू के भी नीचे मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा डेटा अवेलेबल है। अगर बात करें स्टॉक पी की आप देखेंगे 5.57 पे, जबकि अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 39.1 का है। दोस्तों अगर बात करें इसमें डेप्ट की, आप देखेंगे कंपनी भी डेप्ट फ्री है, और अगर कैश की बात करें तो 4.44 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास जो कि कैश पड़ा हुआ है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। मैक्सिमम का अगर चार्ट देखें तो आप देखेंगे कंपनी काफ़ी ऊपर तक गई थी, ऊपर की बात करें तो 55 रुपीज़ के भी ऊपर जा चुकी थी, लेकिन वहाँ से कंपनी गिरी और कंपनी फिर से संभलते हुए 40-42 रुपये तक पहुँच चुकी है। इसका मतलब है अगला टारगेट होगा 55 का। तो देख लेते हैं नेक्स्ट डिटेल। दोस्तों अगर डिटेल की बात करें, अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो 5 साल में 3%, 3 साल में -5%, अगर 1 साल की बात करें तो 133% का डिटेल देखने को मिला है। अगर इनके सेल ग्रोथ की बात कर लेते तो आप देखेंगे 5 साल में -2, 3 साल में -2, TTM में -9% का डिटेल। अगर वहीं बात करें इनके प्रॉफिट ग्रोथ की, 3 साल में 1%, TTM में 7% का डिटेल देखने को मिला है। अगर ROE की बात करते हैं तो आप देखेंगे 5 साल में 10%, 3 साल में 9%, लास्ट ईयर में भी 9% का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी भी बहुत तेजी के साथ ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगा। और देख लेते हैं डिटेल क्या बनता है, क्या इस कंपनी को हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहिए या फिर नहीं, पूरा डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर इनके मार्केट कैप की बात करें तो 322 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 1.16 रुपये जो कि इसका 52 वीक लो हुआ करता था, 9.48 रुपये इसका 52 वीक हाई बना था। अगर करेंट प्राइस की बात करें तो 6.35 रुपये। अगर इनके बात करें फेस वैल्यू की तो 1 रुपये का फेस वैल्यू है, जबकि बुक वैल्यू है 2.96 रुपये। अगर डिटेल और देखें तो स्टॉक पी 208 पे चल रहा है, जबकि अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 37.1 का है। अगर डेप्ट की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें डेप्ट है 3.70 करोड़ का, अगर कैश की बात करें तो 0 माइनस में है 0.74 करोड़। तो अगर इस कंपनी का मैक्सिमम आप चार्ट देखेंगे तो यह कंपनी काफ़ी तेजी के साथ ऊपर गया, लेकिन उसके बाद बीच में नीचे आया, और उसके बाद आप देखेंगे इस लेवल के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 10 रुपये के ऊपर गया था, लेकिन इस टाइम ये 6 रुपये के आसपास चल रहा है। देख लेते हैं अगला डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो आप देखेंगे 10 साल में 6%, 5 साल में 36%, अगर 3 साल की बात करें तो 7%, 1 साल की बात करें तो 452% का डिटेल देखने को मिला है। जबकि इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे 5 साल में 23%, 3 साल में 3% और TTM में -24% का डिटेल देखने को मिल गया है। अगर सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो 5 साल में 6%, 3 साल में 8% और TTM में -31% का डिटेल। जबकि अगर बात करें आप इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 5 साल में 0, 3 साल में 0, 1 साल में अगर बात करें तो 1% का डिटेल।
दोस्तों अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न का डिटेल देख लेते हैं तो देखेंगे आपके प्रमोटर्स के पास इनके होल्डिंग है जो कि 31.55 का, जबकि अगर FIIs की बात करें तो 0.47 का है, DIIs की बात करें तो 0.01% का है, जबकि पब्लिक की बात करें तो 67.96 का है। दोस्तों ये वो स्टॉक्स हैं जो कि पैनी शेयर बिलोंग करते हैं EV से, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, और आगे आने वाला अगर फ्यूचर अगर आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो आपको ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसमें बहुत ही अच्छा खासा फ्यूचर है, क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। आने वाले टाइम में जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं वो भी इसको ही हाईलाइट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ आना चाहिए जिसका कंपेयर हो सके कि हाँ डीजल पेट्रोल के बीच में हम उसको रिप्लेस कर सकें। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से ये वो शेयर्स हैं जो कि सबसे परफेक्ट हैं, पैनी शेयर भले हैं लेकिन इसमें ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी खासी है, तो इन शेयर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।